नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब सानू। आप देख रहे हैं आफ्ताब टेक ऑनलाइन। दोस्तों, हम आज आप लोगों को बताएंगे कि किसी का भी पहचान पत्र है अगर खो गया है तो किस तरह से फाइंडिंग करेंगे अपने ऑफिशियल वेबसाइट से। तो चलते हैं, हम अपना पीसी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि किसी का भी पहचान पत्र अगर खो जाए, वोटर आईडी, तो किस तरह से फाइंड करते हैं। फाइनली दोस्तों, हम आ गए अपना पीसी स्क्रीन पर। हम आप लोगों को बताएंगे कि किसी का भी वोटर आईडी कार्ड खो गया तो किस तरह से फाइंडिंग करेंगे। वोटर आईडी फाइंडिंग करने के लिए हम आज आप लोगों को तीन प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले आप कोई सा भी क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है NBSP। NBSP सर्च करने के बाद ये जो फर्स्ट वाला लिंक रहेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद 5 सेकंड का वेट कर लेना है। 5 सेकंड के बाद ये वेबसाइट खुद से रिडायरेक्ट कर देगा दूसरे वेबसाइट पर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सर्च इन इनरोल, इलेक्ट्रल इनरोल पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं तीन ऑप्शन आपके सामने खुल गया है। सबसे पहला है विवरण द्वारा खोजें, सर्च बाय डिटेल्स, इपिक नंबर के द्वारा खोजें, सर्च बाय इपिक नंबर, और तीसरा जो है मोबाइल नंबर के द्वारा खोजें। मोबाइल नंबर से खोजने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना जरूरी है, क्योंकि OTP के माध्यम से फाइंडिंग होगा इसमें। तो ज्यादातर केस में अभी हम लोग जो फाइंडिंग करते हैं, जिसका वोटर आईडी कार्ड खो जाता है तो उसके पास ना इपिक नंबर रहते हैं ना ही मोबाइल नंबर रहते हैं, तो उस कंडीशन में किस तरह से फाइंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप सर्च बाय डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, विवरण द्वारा खोजे वाला पर। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप जो भी स्टेट से रहेंगे वो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, जो आपका फर्स्ट नेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम डालना है, ये वाला सेक्शन में लास्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम डालना है, फादर्स का फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर फादर्स का लास्ट नेम डालना है। फादर्स या जिसका अगर शादी हो गया है तो उसका हस्बैंड का भी नाम लेकर के फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मैं जिसका फाइंड कर रहा हूँ तो इसका फादर्स नेम है, यहाँ पर फादर्स नेम मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर फादर्स का लास्ट नेम टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के द्वारा भी खोज सकते हैं या एज के द्वारा खोज सकते हैं। तो हमें एज इसका कन्फर्म पता है तो एज इसका सेलेक्ट कर लेंगे। एज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जैसे मेल फीमेल जो भी रहेंगे, जिसका हम फाइंड कर रहे हैं वो मेल है, मेल सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर असेंबली नेम सेलेक्ट करना है, जो आपका असेंबली रहेगा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो आपका है। तो यहाँ पर जैसे मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वो अपना सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड जो रहेगा उसको फिल कर देना है। फिल करने के बाद सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मेरा डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं, अगर इसका पूरा डिटेल से देखना है तो व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इसका नाम, फादर्स नेम, इपिक नंबर, सारा कुछ आ गया। तो इसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। और दूसरा जो प्रोसेस है वो है इपिक नंबर से खोजने के लिए। तो जैसे मैं इसका इपिक नंबर को कॉपी करके आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे इसका इपिक नंबर है, इसका हम डिटेल्स है इपिक नंबर के द्वारा किस तरह फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इपिक नंबर वाला पर क्लिक कर देना है, इपिक नंबर द्वारा खोजें या सर्च बाय इपिक नंबर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका इपिक नंबर है वो इपिक नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड है इसको फिल कर देना है। उसके बाद सर्च पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं इपिक नंबर के द्वारा भी इसका डिटेल्स आ चुका है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।